तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्काई वर्ल्ड वेबसाइट के बारे में एक ऐसी न्यूज अपडेट जिसका कि आपको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर हम एक मोबाइल में दो आईडी चलाते हैं और दोनों आईडी अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हैं और हम एक ही मोबाइल में चलाते हैं तो क्या हम दोनों आईडियों का पैसा अपने एक ही बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं जो कि हमने लाइव किया है और यह प्रोसेस हमने खुद ही किया है। हम आपको बताते हैं यह प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको सब लाइव दिखाने वाले हैं और आपको बताएंगे आप पैसा ले सकते हैं एक अकाउंट में या नहीं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहले हम स्काई वर्ल्ड का एक अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं जिसका पैसा हमारे खाते में आ भी चुका है और हम उस अकाउंट को लॉगिन करके दिखाते हैं आपको कि इस पे हमारा कौन सा अकाउंट सेव है और दूसरी आईडी में भी हम यही वाला अकाउंट डालेंगे। तो हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कहां पर क्या डालना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हमारा नाम देख लीजिए, आईडी एक्टिव है और यूजर नेम भी। दोस्तों हम इधर क्लिक करते हैं तो हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। यह देखिए, अब हम एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऊपर हमारी बेसिक जानकारी आ जाती है और हमारे नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर और नाम और पैन कार्ड नंबर, दोस्तों सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं जो जो हमने यहाँ पर भरा है। दोस्तों यह देखिए हमारा इसका पेमेंट आ चुका है हमारे खाते में। अब हम दूसरे अकाउंट को लॉगिन करते हैं। तो हम एक बार फिर से लॉगिन वाले पेज पर आ चुके हैं। अब यह देखिए हम दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों यह हमारा दूसरा अकाउंट है जिससे कि हमें अपने अकाउंट से ही पैसे कटवाकर आईडी एक्टिवेट की थी और इस अकाउंट के पैसे हम अपने ही खाते में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट में 598 रुपये की वीडियो इनकम है जो कि हमने खुद कमाई है, जो कि 60 रुपये डेली के अर्न होते हैं, ये हमारी वो इनकम है। दोस्तों अब हमें ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल पर क्लिक करना है। देखिए जैसे हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो हमारे ऊपर बेसिक डिटेल आ जाएगी जो हमने आईडी बनाई थी और नीचे हमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमें बैंक नाम डालना है जो भी हमारी बैंक है और फिर हमें अकाउंट नंबर डालना है जो भी अकाउंट नंबर है और फिर हमें जो भी अकाउंट में हमारा नाम है वह भरना है यहाँ पर और उस बैंक का IFSC कोड और पैन कार्ड नंबर और आपको नीचे आपका पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, यह सभी भरने के बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए हमने सारी जानकारी भर दी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं ठीक से और देते हैं। तो यह देखिए हमारी डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। दोस्तों हम ओके कर देते हैं और इस आईडी में जितने भी पैसे हैं हमारे उनमें से 500 रुपये हम अपने अकाउंट में सेंड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों यह देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और आपको विड्रा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और ऊपर विड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, हमें टोटल अमाउंट दिख जाएगा। ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, फिर हमें नीचे विड्रा अमाउंट दिख जाएगा, हमें यहाँ पर अमाउंट भरना है जितना भी अमाउंट भरना है। दोस्तों हम 500 रुपये या डायरेक्ट सीधे 1000 रुपये भर सकते हैं तो हम 500 रुपये का अमाउंट यहाँ पर भर देते हैं और विड्रा नाउ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने थोड़ी लोडिंग चल जाएगी और हमारे सामने पेज आ चुका है विड्रा सेंड टू एडमिन सक्सेसफुली। दोस्तों हमारे विड्रा की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पहुँच चुकी है वहाँ पर। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और विड्रा पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम विड्रा हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विड्रा की हिस्ट्री आ जाएगी। है देखिए हमने 500 रुपये का विड्रा मारा था जो कि अभी हमारा पेंडिंग में है। दोस्तों जैसे ही सक्सेसफुल आ जाएगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ जाएगा जबकि हमारा बैलेंस हमारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 98 रुपये बचे हैं जो कि 598 रुपये हमने वीडियो इनकम से कमाए थे। दोस्तों 500 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए और 98 रुपये रह चुके हैं। तो दोस्तों एक घंटे इंतजार करने के बाद हमारे अकाउंट में बैलेंस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज भी है और SBI एप्लीकेशन की तरफ से हमारे पास दूसरा मैसेज भी है। दोस्तों 425 रुपये हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। अब हम उस आईडी को एक बार फिर से लॉगिन करते हैं जिस आईडी से हमारा बैलेंस अकाउंट में आया है। दोस्तों आप लॉगिन कर लेते हैं तो हमने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे 98 रुपये यहीं पर हैं जो पहले रह गए थे ट्रांसफ़र करने के बाद। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तीन डंडों पर और हम विड्रा पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम विड्रा हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो हमारी विड्रा हिस्ट्री में क्या था हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 500 रुपये ट्रांसफ़र किए थे जो कि आपको 75 रुपये कट जाएंगे, 425 रुपये अकाउंट में आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका स्टेटस पहले पेंडिंग आ रहा था और अब ट्रांसफ़र आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे खाते में बैलेंस आ चुका है और आप भी इस प्रकार से 60 रुपये रोज़ के कमा सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट में ज्वाइन होते थे। दोस्तों अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देखकर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।